जैन साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं RPF कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर। ये एक डिटेल्ड वीडियो है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। RPF कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है और इसकी फ़ीस जो है वो 500 रुपये रखी गई है। 14/5 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उम्र जो है वो 18 से 28 साल की है। कोविड के साल भी इसमें शामिल किए गए हैं। एक्स्ट्रा आपको और कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। 18 से 28 साल की एज है। OBC को 3 साल की छूट है, SC को 5 साल की छूट है। कुल पदों की संख्या कांस्टेबल के 4,208 पद हैं। एग्जामिनेशन क्या होगा? तो एग्जामिनेशन केवल एक एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल और उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 90 मिनट, 120 क्वेश्चन, 1/3 की माइनस मार्किंग इसमें होने वाली है। 120 क्वेश्चन में 35 नंबर मैथमेटिक्स, 35 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की GK आएगी आपकी 1/3 की माइनस मार्किंग के साथ। 90 इसमें मिनट होंगे। CBT एग्जाम के बाद फिर आपका फिजिकल होगा। लड़कों की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर और लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। फिजिकल में पहले लड़कों की बात कर लें, 1600 मीटर की रेस है 5 मिनट 45 सेकेंड में। ऊंची कूद है 4 फुट की और लंबी कूद है 14 फुट की। अब लड़कियों की बात करते हैं, तो लड़कियों के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ है और ऊंची कूद है 3 फुट की और लंबी कूद है 9 फुट की। तो उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला वीडियो RPF SI का आने वाला है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।